बड़ी खबर अब दिल्ली से है। छात्रा को गोली मारने के मामले में जो बड़ी अपडेट है, गोली मारने वाला आरोपी अब गिरफ्तार कर लिया गया। अमानत अली इसका नाम है। अमानत अली पर गोली मारने का आरोप है। स्कूल से लौटते वक्त छात्रा को गोली मारी गई थी और अब इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। नाम इसका अमानत अली बताया जा रहा है, जिस पर गोली मारने का आरोप है। जिस छात्रा को गोली मारी गई स्कूल से लौटते वक्त, उसे गोली मारी गई थी। इस वारदात का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिससे यह पूरी घटना साफ हुई थी। और उस छात्रा को गोली मारने के मामले में अब आरोपी शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए, जिसे गिरफ्तार किया गया उसकी तस्वीर आपके सामने। अमानत अली इसका नाम है। छात्रा को गोली मारने का इस पर आरोप है। इस पूरी घटना, ये जो घटना है, ये जो वारदात है, ये सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी और 7 दिन बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ पाया है। 7 दिन बाद इसकी गिरफ्तारी हो पाई है। दिल्ली में एक दुमका जैसी वारदात, झारखंड के दुमका। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। की घटना आपने देखी, वैसी ही ये वारदात। देखिए वो सीसीटीवी फुटेज भी देखिए, जब इस छात्रा को गोली मारी गई थी। राजू राज और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। राजू, जरा गिरफ्तारी कैसे हुई ये तो बताइए ही, और पूरा मामला भी जरा संक्षेप में समझा दीजिए। बिल्कुल विशाल, बता दूं कि 25 तारीख की ये घटना है, जब छात्रा स्कूल से घर जा रही थी। उसी दौरान 2-3 लड़कों ने छात्रा पे गोली मारी। छात्रा को घायल अवस्था में बत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद पुलिस ने इस पूरी मामले में जांच शुरू की। जांच में जो बातें सामने आई निश्चित तौर पर चौंकाने वाली थी। चूँकि अमानत, जिसे गिरफ्तार कल देर रात किया गया दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ के द्वारा, उसने बताया कि वो छात्रा से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती किया था नाम बदल के, और उसके बाद छात्रा से दोस्ती हुई लेकिन छात्रा ने कुछ दिन के बाद उससे बातचीत करना बंद कर दिया था। उसके बाद वो काफ़ी डिस्परेट हो गया और अपने 2 साथियों के साथ मिलकर छात्रा पर गोली चलाई। और उसके बाद, चूंकि शुक्र कीजिए कि छात्रा की उसमें जान बच गई, लेकिन जब पूरे मामले की जांच की गई तो वो छात्रा से एक तरफा प्यार करता था और छात्रा जब ने उसे मना कर दिया कि उससे बात नहीं करना चाहती, वो उससे दूर रहे, इसी बात से परेशान होकर उसने अपने 2 साथियों के साथ प्लान की और छात्रा पर गोली चलाई, जिसमें 1-2 आरोपियों को पुलिस ने पहले गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जो मुख्य आरोपी अमानत था उसकी गिरफ्तारी कल देर रात हुई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।